नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर दोस्तों हमारी इस एग्ज़ाम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और टॉपिक के ऊपर हम दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर एजुकेशन क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में आपसे कंप्यूटर से, से जुड़े कुछ ना कुछ एम पूछे जाते हैं ऑल ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है और आपको इतना ज़्यादा रोल भी आपको इतना ज़्यादा यूज़ भी इसका नहीं रहने वाला है मेनली आपके काम में लेकिन फिर भी दोस्तों एग्ज़ाम में आपसे कंप्यूटर से जुड़े भी दोस्तों कुछ एम सी क्यूज़ पूछे जाते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं आपको अपने मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ाने में या और ज़्यादा अच्छी परसेंटेज को स्कोर करने में तो ऐसे में दोस्तों ज़रूरी है कि आप एग्जाम में दोस्तों अपने कंप्यूटर से जुड़ी बेसिक नॉलेज को एटलीस्ट अपना बढ़ाएं दोस्तों इसको एनहेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स को आप स्कोर करें जिससे कि आप इजीली अपनी सीट को सिक्योर कर पाएँ किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आज दोस्तों ऐसे फिफ्टी कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानते हैं कि कौन से हैं वो टॉप फिफ्टी मोस्ट रिपीटेड एम जो कि आपको कंप्यूटर के सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर जो शब्द है दोस्तों वो आया कहाँ से है ऑप्शन है दोस्तों लेटिन जर्मन फ्रेंच या अरेबिक राइट आंसर इज दोस्तों लैटिन लैटिन वर्ड है दोस्तों कंप्यूटर जो कि लैटिन लैंग्वेज से निकलकर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन का दोस्तों इन्वेंटर कौन है किसने बनाया है डिफरेंस इंजन को ऑप्शन है दोस्तों एलन ट्यूरिंग चार्ल्स बवेज साइमो क्रे या फिर ऑगस्टा अदेमिंग एंड द राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन बी चार्ल्स बवेज चार्ल्स बवेज जो थे दोस्तों उन्होंने डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था उनको फादर भी बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स तो दोस्तों राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी चार्ल्स बावेज वन मोर थिंग दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको एक तरीके की आप अपने जी के नॉलेज के तौर पर इनको देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कंप्यूटर के सेगमेंट में तो यहाँ पर आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसलिए इन क्वेश्चन को भी फोकस करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन वही क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में हमने बात की पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने अभी आपको आंसर बताया चार्ल्स बवेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस अब कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है बात हो रही है कंप्यूटर साइंस की तो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑप्शन दोस्तों एलन ट्यूरिंग चार्ल्स बवेज साइमर क्रे या फिर ऑगस्टा अडेमिंग तो राइट आंसर होगा विल बी तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल एन ट्यूरिंग एल एन ट्यूरिंग जो थे दोस्तों वो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस थे या उनको ऐसा बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का दोस्तों फादर कौन है किन्हें माना जाता है अगेन दोस्तों ऑप्शन हैं एलन ट्यूरिंग चार्ल्स बवे साइमर क्रे और अगस्टा अडेमिंग द राइट आंसर इज दोस्तों एलन ट्यूरिंग एल एन ट्यूरिंग को दो, दोस्तों कंप्यूटर साइंस और फ़ादर ऑफ़ कंप्यूटर दोनों के नाम से जाना जाता है अब यहाँ पर इस चीज़ को दोस्तों आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा अगर हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि फ़ादर ऑफ़ कंप्यूटर और फादर ऑफ़ कंप्यूटर साइंस एक ही हैं जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग तो दोस्तों इनका नाम आप नोट डाउन कहीं पर कर लीजिए हो सकता है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों आ सी पी यू अब एक सी पी यू के अंदर दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है ऑप्शन है दोस्तों अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस एन एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट अ कंट्रोल यूनिट एंड एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड अ कार्ड रीडर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों बाकी वायरिंग होता है वहां पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि उसको रन करता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंट्रेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा दोस्तों जो ऑप्शन है वो इंट्रैक्शन को बनाता है या बढ़ाता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ऑप्शन है दोस्तों यूजर इंटरफेस लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस जो होता है दोस्तों यू के नाम से, से जाना जाता है वो जो दोस्तों एक कंट्रोल इस्टैब्लिश करता है एक प्रोसेस स्टैब्लिश करता है बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम पर जिस पर आप बैठ रहे होते हैं और जो आप देख रहे होते हैं वो आपको देखने को मिलता है थ्रू यू यानी कि यूज़र इंटरफेस लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होगा ना ही स्क्रीन सेवर होगा प्लेटफॉर्म जैसा कुछ नहीं होता है वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द फर्स्ट कंप्यूटर्स व प्रोग्राम्ड यूजिंग पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे सबसे शुरुआती दौर में वो किस काम के लिए बनाए गए थे ऑप्शन है दोस्तों असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड एंड द करेक्ट आंसर इज दोस्तों मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए और मशीन लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए दोस्तों वहाँ पर पहले जो शुरुआती दौर के कंप्यूटर थे उनको बनाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटीज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस वो क्या चीज़ होती है दोस्तों जिसका जो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोस्तों जो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है बिटवीन कंप्यूटर डिवाइज उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन है दोस्तों नेटवर्क पैरीफेरल एक्सपेंशन बोर्ड या फिर डिजिटल डिवाइस एंड द करेक्ट आंसर इज नेटवर्क नेटवर्क जो होता है दोस्तों एक कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फैसिलिटी का दोस्तों जो कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है कंप्यूटर डिवाइज में यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अक्सर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क दोस्तों इज द यहाँ पर नेटवर्क जो होगा वो सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड अब वो कोडिंग एंट्रीज जो होती हैं दोस्तों जिनका यूज़ किया जाता है एक्सेस को पाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पर उनको क्या बोला जाता है एंट्री कोड पासवर्ड सिक्योरिटी कमांड्स या फिर कोड वर्ड्स एंड द करेक्ट आंसर इज पासवर्ड पासवर्ड को होता है देखिए पासवर्ड जो होता है दोस्तों उसको बोला जाता है कोडिड एंट्रीज या फिर एक ऐसी एंट्री जिसके थ्रू दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाता है कंप्यूटर के ऊपर बहुत ही सिंपल सा आंसर लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही टिपिकल तरीके से आपसे पूछा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए बट पासवर्ड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सही है ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम या द स्पीड ऑफ

फोल्ड इंडेक्सिस या फिर लिस्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फोल्डर में दोस्तों हम फाइल्स को सेव करते हैं या स्टोर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से कौन सा दोस्तों वो शोर्स रिसोर्स होता है दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा शेयर किया जाता है कॉमन रिसोर्स में कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ऑप्शन दोस्तों प्रिंटर स्पीकर फ्लॉपी डिस्क या फिर की एंड द करेक्ट आंसर दोस्तों प्रिंटर प्रिंटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है एक नेटवर्क के तौर पर यानी कि आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं प्रिंटर्स को एक डिवाइस के थ्रू और फिर दोस्तों आप उनका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रिंटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन इनमें से कौन सी डिवाइस के लिए दोस्तों इनमें से कौन सी डिवाइस दोस्तों जरूरी होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए अंदर ऑप्शन तो आर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सीधा आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर होगा मॉडर्न का क्योंकि जॉयस्टिक का यूज़ नहीं किया जाता इंटरनेट के लिए सीडी ड्राइव का यूज़ नहीं किया जाता है एन आई कार्ड का यूज का भी वहाँ पर यूज़ भी वहाँ पर नहीं किया जाता है सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी मॉडर्न नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लाइट पेन क्या होता है वॉट इज लाइट पेन अ मैकेनिकल इनपुट डिवाइस ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या फिर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस एंड द करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस तो लाइट पेन क्या होता है दोस्तों ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यू एन आई वी ए सी इज अब यू एन आई वी ए सी क्या है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इस चीज़ को लिख लीजिए दोस्तों कहीं पर सेव कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिबैग क्या है तो यूनिबैग क्या है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सी डी रोम स्टैंड फॉर सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है तो ऑप्शन दे रखें दोस्तों कॉम्पैक्टेबल रीड ऑनली मेमोरी कॉम्पैक्ट डेटा रीड ऑनली मेमोरी कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉम्पैक्टेबल रीड ऑनली मेमोरी अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी इसको नोट डाउन कर लीजिए ए एल यू इज ए एल यू क्या होता है बहुत ही सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है ये हम पढ़ चुके हैं बचपन में आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट

वीडियो ग्राफिक्स एरे ठीक है वीजीए होता है वो क्या होता है दोस्तों वीडियो ग्राफिक एरे होता है अक्सर आपने टीवी में देखा होगा जब भी आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने बॉक्स के साथ में तो वहां पर जहां हम कनेक्ट करते हैं वहां वीजीए का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आई बी एम वन फोर जीरो वन एज अब आई बी एम वन फोर जीरो वन क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर या फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तो दोस्तों आई बी जो है वो जीरो जनरेशन कंप्यूटर है नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों एमएसआई स्टैंड फॉर एमएसआई का मतलब क्या होता है दोस्तों मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट या फिर मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तो एम का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो होगा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क अब 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है दोस्तों उसकी कितनी कैपेसिटी होती है अब देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेटा उसमें स्टोर नहीं होता था पहले के समय में अब तो फ़्लॉपी डिस्क देखिए आउट ऑफ एक तरीके से वो यूज़ हो चुकी हैं इतना ज़्यादा आपको देखने को भी नहीं मिलती होंगी शायद आपने देखी भी ना हो फ्लॉपी डिस्क तो क्योंकि वो इतना रोल नहीं रह गया उनका पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क का यूज़ हुआ करता था बहुत ज़्यादा तो पूछा गया कि उसकी जो स्टोरेज होती है उसकी जो मेमोरी होती है वो कितनी होती है अब शायद आपको देखने में अजीब लग रहा होगा ऑप्शन को वन पॉइंट फोर ज़ीरो एम बी 1.44 पॉइंट 1.40 फोर या फिर 1.44 पॉइंट अब देखिए दो जो ऑप्शन है वो एम में अब आप कहेंगे इतने इससे ज़्यादा साइज़ तो आपके जो पिक्चर्स आप लेते हो मोबाइल में उसका ज़्यादा होता है राइट right. तो 1.40 पॉइंट से ज़्यादा तो आई थिंक आपकी इमेज होती होगी जो आप क्लिक करते होगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1.44 पॉइंट तो फ्लॉपी डिस्क का दोस्तों जो कैपेसिटी हुआ करता था वो होता था 1.44 पॉइंट नेक्स्ट पूछा गया है वन इज़ स्टैंड फॉर ठीक है बहुत ही कॉमन सा एक फुल फॉर्म पूछा गया है डब्ल्यू एन स्टैंड फॉर वेब एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेट या फिर वायरलेस एरिया नेटवर्क एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वी वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है बहुत दूर तक जब आपके जो सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है या वहाँ पर वन उसको हम बोला जाता है दूसरा होता है इसका ऑपोजिट लान जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एम आई सी आर स्टैंड फॉर एम आई सी आर का क्या मतलब होता है मैग्नेटिक इंग कैरेक्टर रीडर मैग्नेटिक इंग कोड रीडर या फिर मैग्नेटिक इंग फिर नन ऑफ दी अबव एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर अगेन दोस्तों देखिए जो भी फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं अगर आपको नहीं पता है तो उन्हें कहीं पर लिख कर रखिए क्योंकि हो ना हो आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत ही सिंपल से ये क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म आपको बताना है बट अगर आपको पता ना हो तो फिर आप इसको स्कोर नहीं कर पाएंगे तो इनको लिख कर रखिए इन केस अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई बी सी डी आई सी स्टैंड फॉर देखिए अगेन फुल फॉर्म पूछा गया है ई बी सी डी आई सी का क्या मतलब होता है क्या फुल फॉर्म होता है ऑप्शन है दोस्तों एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड अब चारों ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं देखने में अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज होने वाले हैं बट इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ये दोस्तों जो होता है सही फुल फॉर्म होता है ई बी सी डी आई सी का तो इसको भी आप एक अच्छे से नज़र डाल लीजिए इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए कहीं आप भूलें ना इसको क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी का दोस्तों कौन सा हिस्सा होता है इनमें से ऑप्शन है प्रिंटर कीबोर्ड माउस या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो देखिए तीनों ही नहीं होते हैं चौथा ऑप्शन होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो कि उसके अंदर होता है बाकी तीनों ऑप्शन बाहर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सी ए डी स्टैंड फॉर सी ए डी का क्या मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कंप्यूटर अलगोरिदम फॉर डिज़ाइन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन या फिर कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन एंड द करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ठीक है सी ए डी का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऐसी डिज़ाइन जो वहाँ पर कंप्यूटर आपको हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जंक की मेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अब अपेल आप सभी के पास आते होंगे आप लोग चेक भी करते होंगे आई एम श्योर तो जंक ई मेल को और क्या बोला जाता है तो बहुत ही सिंपल सा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन इज द राइट आंसर स्पैम अब एक ऑप्शन होता है स्पैम का ठीक है जंक ई मेल जो होते हैं वो आपके स्पैम के फोल्डर में चले जाते हैं तो अगर आपको जंक ई मेल को चेक करना होता है तो स्पैम में आपको जाना पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि किसी अननोन सोर्स से ई मेल आते हैं या वहाँ पर पहचान नहीं पाता है आपका सिस्टम उस जगह को उस एड्रेस को तो वो स्पैम में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको जंक ई को चेक करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन टिपिकल है थोड़ा सा आ, बट यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है कि आपके मन में क्या आता है इस क्वेश्चन को देख कर तो इसमें पूछा गया हैकरस हैकर्स क्या करते हैं या कैसे होते हैं ऑप्शन देखते हैं ऑल हैव द सेम मोटिव सबका एक ही मोटिव होता है या ब्रेक इन टू अदर्स पीपल्स कंप्यूटर या दूसरों के कंप्यूटर में घुस जाना किसी भी तरीके से हैक करके मे लीगली ब्रेक इन टू कम्प्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज किसी भी दोस्तों कंप्यूटर में घुस जाना लीगली जब तक कि दोस्तों वो किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं करते हैं या फिर दोस्तों आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर ऐसे लोग होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं कंप्यूटर के या कंप्यूटर पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ब्रेक इन टू अदर पीपल्स कंप्यूटर यानी जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं दूसरों के कंप्यूटर में घुस जाते हैं उनके कोड्स को हैक करके उनके सिस्टम्स को हैक करके और फिर वो जो भी करना चाहें सिस्टम के साथ वो कर पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स यानी कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में एक्टिव रहते हैं ऑप्शन है दोस्तों मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर या फिर पी तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो आमतौर पर दोस्तों काम के लिए ही यूज़ किए जाते हैं और दोस्तों वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में बिजी रहते हैं अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूफ इट अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव इफ़ इट डज नॉट हैव द कंप्यूटर दोस्तों आप बूट नहीं कर सकते हैं अगर कंप्यूटर में ये चीज़ ना हो कौन सी है वो चीज़ कंपाइलर लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबलर तो दोस्तों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप बूट नहीं कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से दोस्तों हमारा मतलब है विंडो का हम कहते हैं अक्सर विंडो उड़ गया तो जब विंडो उड़ जाता है आप बूट नहीं कर पाते हैं उसको बार बार फेल हो जाता है और फिर आपको दोबारा से विंडो को डालना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अब दोस्तों जो वर्टिकल स्पेस होता है दो लाइंस के बीच में उसे क्या बोला जाता है अब अगर आपने वर्ड फाइल यूज़ किया है आपने एक्सेल यूज़ किया है या कोई भी ऐसा आपने टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ किया है डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर तो आपको पता होगा इससे क्या बोलते हैं ऑप्शन दोस्तों डबल स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग सिंगल स्पेसिंग वर्टिकल स्पेसिंग एंड द करेक्ट आंसर इज़ लाइन स्पेसिंग लाइंस के बीच में कितना स्पेस है ऑप्शन अगर आप देखो तो 1.0 पॉइंट फाइव होता है फिर टू पॉइंट जीरो होता है वन पॉइंट टू फाइव होता है इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा नॉन न्यूमेरिक डेटा का कौन सा एग्जाम्पल है एम्प्लॉ एड्रेस एग्जामिनेशन स्कोर बैंक बैलेंस या फिर ऑल ऑफ दी या फिर ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज इम्प्लॉ एड्रेस इंप्लॉई एड्रेस जो होता है दोस्तों वो नॉन न्यूमरिक डेटा होता है यानी कि उसमें नंबर का यूज नहीं होता है मेनली वहाँ पर टैक्स आपको देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि वॉट इज एम्बिडेड सिस्टम एम्बिडेड सिस्टम क्या होता है ऑप्शन है दोस्तों द प्रोग्राम विच अराइव बाय बी रैप्ड इन अ बॉक्स द प्रोग्राम विच इज द परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ अग कंप्यूटर या फिर द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन ठीक है वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन को कंट्रोल करता है उसे बोला जाता है दोस्तों एम्ब्रिड सिस्टम क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म डेस्क पहले पेज को क्या बोला जाता है वेबसाइट के ऑप्शन है होम पेज इंडेक्स जावा स्क्रिप्ट या बुक मार्क तो इसको बोला जाता है होम पेज यानी कि जो भी दोस्तों आप खोलते हैं वेबसाइट का पहला पेज वो होता है उसका होम पेज फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो वहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं अबाउटर्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से दोस्तों उनके फीचर क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इज़ द अपेयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर अब वो कैसी अपेयरेंस होती है टाइप्ड कैरेक्टर की ऑप्शन है दोस्तों साइज फॉर्मेट पॉइंट या कलर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर्मेट फॉर्मेट जो होता है दोस्तों वो अपेयरेंस को शो करता है कैरेक्टर के यानी किस फॉर्मेट में दोस्तों आप लिख रहे हैं आपके टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वैन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अब जब भी दोस्तों फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तो क्या होता है अ कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट इट डज नॉट नीड अ नेम इट ओनली नीड्स अ नेम इफ इट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई आप जब भी दोस्तों देखिए आप कंट्रोल एस अगर आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि सेव का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पर फिर आपको फोल्डर पूछा जाता है फोल्डर में फिर आपको एक नाम डाल के उसे सेव करना होता है सो यहाँ पर जो आपको क्या करना होता है उसे नेम देना होता है फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ए ए दे सकते हैं ए बी सी दे सकते हैं डी 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 दे सकते हैं वो आपके ऊपर है आप उसको क्या नाम देते हैं ऑफिस लांस विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट अब वो लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर दोस्तों जो कि जोग्राफिकली लार्ज स्केल पर होते हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ कारपोरेट किस चीज़ के कॉरपोरेट यूज से जोड़ा जा सकता है ऑप्शन दोस्तों कैन लैन डैन या फिर वैन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वैन अब ये चीज़ हम ऑलरेडी अभी हम समझ चुके हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो में कि वैन क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत ही दूरी पर यानी कि मान लीजिए किस देश में एक उस देश में है तो वहां पर जो कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क वहीं लोकली जब कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क तो लोकल एरिया नेटवर्क से जब आप बाहर के कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वो आ जाता है डब्ल्यू ए एन में यानी कि डब्ल्यू एन के थ्रू आपको उसे कनेक्ट करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर आर द वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड वेन द प्रोसेसर यूजेज दैम डेटा और प्रोग्राम को कहाँ पर स्टोर किया जाता है जब प्रोसेसर जो है उन्हें यूज कर रहा होता है ऑप्शन है मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मेन मेमोरी मेन मेमोरी में दोस्तों वहां पर प्रोग्राम्स को सेव किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल अब फिल इन द बैंक यहाँ पर हमसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन दिए हैं इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन बिट्स एंड रिकॉर्ड्स बाइट तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अगर हम इसको फिल करें तो डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल ठीक है क्या कह रहा है डेटा जो होता है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट को यानी ऐसा फैक्ट जो कि बनाया नहीं गया है या कि जो कि इनकम्प्लीट है जो वहीं वहीं इंफॉर्मेशन क्या होता है इन्फॉर्मेशन होती है डेटा मेड मीनिंगफुल यानी कि वो डेटा से बनी हुई होती है और उसका मतलब होता है वो मीनिंगफुल होती है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डेटा एंड इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम मेक्स इट यूजफुल रोम के दोस्तों वो कौन सी बातें होती हैं जो उसे यूजफुल बनाती हैं ऑप्शन है रोम इंफॉर्मेशन कांट बी इजीली अपडेटेड डेटा इन रोम इज नॉन वोलाटाइल दिस इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इन एक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज या फिर रोम चिप्स आर इजीली स्वेब्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी डेटा इन रोम इज़ नॉन वोलाटाइल दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर रोम में जो डेटा होता है दोस्तों वो वहीं पर रहता है जब पावर चली जाती है उसके बाद भी यानी कि वो डेटा वहाँ से हटता नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों वॉट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज उस प्रोग्राम को आप क्या बोलेंगे जिसका यूज़ किया जाता है फॉल्ट को और कॉजेज़ को जानने के लिए ढूंढने के लिए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन कुकीज़ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर या फिर बूट डिस्किट्स एंड द करेक्ट आंसर इज़ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों वो हेल्प करता है प्रोग्राम्स को ढूंढने में और फॉल्ट्स को फॉल्ट्स के बारे में पता लगाने में आपने देखा भी होगा जब एक वेबसाइट नहीं खुलता है तो ऑप्शन आ जाता है डायग्नोस एक फायर वॉल का ऑप्शन आपको दिख जाता है एक डायग्नोस का ऑप्शन दिख जाता है जब आप डायग्नोस पर क्लिक करते हैं तो फिर वहाँ पर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है चलना तो डायग्नोस के थ्रू दोस्तों आप फॉल्ट्स को ढूंढ सकते हैं और उनके कारणों के बारे में पता लगा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस के तौर पर जाना जाता है ऑप्शन है बेसिक कोवल फोर ट्रेन सी सी प्लस प्लस या फिर असेंबली लैंग्वेज तो यहां पर ऑप्शन डी हो तो ऑप्शन तो डी जो है दोस्तों वो सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस के तौर पर देखा जाता है या जाना जाता है अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी वायरसेज सॉफ्टवेयर में से कौन से एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ऑप्शन है एन वी एफ प्रोट ओरेकल या फिर मैकफ्री तो सही आंसर होगा तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ओरेकल ओरेकल जो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि एंटीवायरस से फाइट करता है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मॉडर्म का यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वॉट डज डी एम ए स्टैंड फॉर डी एम ए का मतलब क्या होता है डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस या फिर डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस तो डीएमए का फुल फॉर्म दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिए हेल्पफुल हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा दोस्तों स्टोरेज डिवाइस है टेप हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क या ऑल ऑफ दी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों स्टोरेज डिवाइज हैं इन सभी में दोस्तों आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लोगेरिदम लोगरिदम का दोस्तों डेवलपमेंट जॉन नेपियर ने कब किया था ईयर है यहाँ पर ईयर पूछा गया है नई फोरटीन सिक्सटीन 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 फोर्टी वन या फिर एटीन ओ फोर बहुत ही सिंपल सा दोस्तों आंसर है ऑप्शन होगा सिक्सटीन 16, 1614 सोलह सौ चौदह में दोस्तों जॉन नेपियर ने लोगैरिज्म का डेवलपमेंट किया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के अगले दो क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन में पूछा गया नॉर्मल सी डी रोम यूजअली कैन स्टोर अप टू कितने डेटा दोस्तों एक सी डी रोम स्टोर कर सकता है छः सौ अस्सी के बी छः सौ अस्सी बाइट छः सौ अस्सी एम बी या फिर छः सौ अस्सी जी बी अंदर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी छः सौ अस्सी एम बी छः सौ अस्सी एम बी तक का डेटा दोस्तों आप एक सी डी रोम के अंदर स्टोर कर सकते हैं उससे ज़्यादा का एक्सीड वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एम आई एस इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय एम आई एस जो दोस्तों डिज़ाइन किया गया इंफॉमेसन को प्रोवाइड करने के लिए वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकता है किसके द्वारा ऑप्शन ए कंज्यूमर्स वर्कर्स फोरमैन या फिर मैनेजर्स इन द करेक्ट आंसर इज मैनेजर्स मैनेजर्स के द्वारा दोस्तों जो एम आई एस है उसके थ्रू हम इंफॉमेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग में तो ऑप्शन डी जो दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा मैनेजर्स जो हैं वो उसका यूज़ करते हैं तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे जाते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में तो आप अच्छे से दोस्तों इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ईजी भी क्वेश्चन थे ऐसा कुछ उसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बातें नहीं थी मेनली फुल फॉर्म्स थी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा गया था सिस्टम को लेकर कि बेसिक नॉलेज आपकी कितनी अच्छी है कंप्यूटर्स के बारे में आई होप दोस्तों आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको ईजी लगे होंगे और आप ईजिली इनके आंसर को कर पाएंगे ऐसी और भी वीडियोस दोस्तों हम लाने वाले हैं हमारी वीडियो पर तो इसलिए अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वन मोर टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए धन्यवाद